पसंद आया मुझे यहाँ घूम के। अब तक सबसे बेस्ट लोकेशन लगा मुझे मेरे जितने भी, और ये सारे आए घूमने के लिए। देखिए छोटे छोटे वाले संतरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इस पेड़ पे जा सकते हैं आराम से। तो फाइनली मैं पहली गार्डन की ओर जो है एंट्री कर चुका हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ की जो व्यूज़ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ अभी मेट्रो स्टेशन सेकेंडरी और सेक्रेटरीट, जो जा रहा हूँ मैं मुगल गार्डन, तो वहाँ के लिए निकल पड़ा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो वहीं जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना आपको बैक कैमरे से ही दिखाऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं बैक कैमरे से। और बस मैं यहाँ पे, तो मैं एक बात और बता दूँ आपको, यहाँ अंदर जाने से पहले ना आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि फ्री है, ठीक है, किसी से ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिए, कि खाने पीने की चीज़ों, पान गुटखा सिगरेट, बैकपैक जो भी है, कैमरा वगैरह, वीडियो कैमरा, हथियार आप ले जा नहीं सकते, ठीक है। और जो पानी की बॉटल्स वगैरह है, ठीक है, वो आप अलाउ करता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, ठीक है, जाने के लिए। तो यहाँ पे QR है, आप जैसे देख पा रहे हैं, इस QR को आपको करना पड़ेगा। तो ये मेरा QR मैंने कर लिया है, ठीक है, इस फ़ोन से अपने, और ये ओपन हो रहा है। तो चलिए मैं इसको पूरा करता हूँ प्रोसेस को, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो ओपन है ना, ये 26 मार्च तक ही ओपन है, ठीक है, और 3 डेज़ वो रिजर्व किया हो गया है, एक वोमेंस के लिए, और फिजिकल जो भी है हैंडीकैप्स वगैरह उनके लिए, और एक आर्मीज़ के लिए, मतलब 30 मार्च तक ओपन है। तो वो 3 डेज़ जो है वो रिजर्व है, तो मैं स्क्रीन पर आपको शो करा दूंगा जो रिजर्व डेट है, और 10 to 5 PM तक ये ओपन रहता है, और लास्ट एंट्री जो है वो 4 PM को होगा, अगर आज कभी भी आप आते हैं इस बीच। और मंडे को आप इग्नोर करें, ठीक है, मंडे को जो है वो कम्प्लीटली बंद रहती है, तो अब मंडे को ना आए, और 26 मार्च से पहले पहले अगर आपको विजिट करना है तो आ जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्रीज मैंने पूरी कर ली है, ठीक है, बैग भी मैंने वहाँ पे रख दिया है, उनकी स्लिप मुझे मिल चुकी है, और जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है, जो बैग वगैरह आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी स्लिप मिलेगी, फिर आप उसको देखें, जब लास्ट टाइम आप रिटर्न जाएंगे तो आप वहाँ से स्लिप देकर अपने बैग ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, ठीक है, इसमें, और क्योंकि लास्ट टाइम आ रही ना, अब बंद हो जाएगी फिर कुछ दिन बाद, तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे एंट्री कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो फाइनली सारा चेक वगैरह हो गया है, ठीक है, अब मैं लास्ट एंट्री करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो लास्ट सिक्योरिटीज़ है, एक और है, इनको भी पार करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 3-4 अब तक सिक्योरिटीज़ हो चुका है, यह लास्ट है। सो मैं फाइनली एंट्री कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये रास्ता है, तो ये एंट्री जो है गेट है, ये बना हुआ है, ठीक है, बीच में पार्टीशन कर दिया है एग्ज़िट और एंट्री के लिए। तो बस आगे बढ़ता हूँ मैं, तो ये आ चुका हूँ मैं मैप, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मैप है, और ये बता रहा है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, किस तरह से, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए आप, सबसे पहले आएगी यहाँ पे शीशम, फिर हर्बल गार्डन, ठीक है, बेंसाई गार्डन, ठीक है, सेंट्रल लॉन, सारा चीज़ ये आएगी, ठीक है, ये एक मैप है। तो चलिए इसको ही फॉलो करते हैं और आगे आगे की ओर चलते हैं। तो इसका नाम ना एक्चुअली पहले था मुगल गार्डन, पर अभी इसका अमृत उद्यान नाम रख दिया है, ठीक है, तो चेंज किया है इनका नाम, इस वजह से जो है अभी आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जब भी मेट्रो के बाहर में उतरा निकला तो वहाँ पे अमृत उद्यान बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक्चुअल में पहले से पता था, क्योंकि बाकी बहुत कोई जो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनको मुगल गार्डन जाना होता है, वो सुना नहीं है नाम को, ठीक है। तो फाइनली मैं पहली गार्डन की ओर जो है एंट्री कर चुका हूँ, ठीक है, बस आगे की ओर जा रहा हूँ अब, और सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो एक सपोर्टिव बोल के जो है ना, जिनको आप वॉलंटियर बोलते हैं, तो यहाँ पे वॉलंटियर भी अवेलेबल है, अगर आपको कभी कुछ पूछना हो उनसे तो आप पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पहली गार्डन की ओर मैं जा रहा हूँ, और वीडियोज़ में सारी चीज़ों को मैं व्यू कराने वाला हूँ आपको, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी सारे यहाँ पे गार्डन्स है, ठीक है, मैं बैक टू बैक एक 1x1 आपको शो कराऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप चैनल पे अगर पहली बार आएँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दिल्ली की अभी मैं जो है दिल्ली का ही टूर है मेरा,
और कम्प्लीटली मैं दिल्ली के जितने भी वीडियोज़ हैं और जो भी फेमस प्लेसेस हैं मैं अभी डेफिनेटली उनको कवर करूँगा बैक टू बैक, ठीक है। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए आप और इन्जॉय कीजिए जितने भी वीडियोज़ आती है। तो सबसे पहले गार्डन जो मैंने आपको मैप दिखाया उसके अकॉर्डिंग हर्बल गार्डन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले हर्बल गार्डन ही दिखाता हूँ, इधर जाना मना है, ठीक है। और ये रहा उनकी एंट्री गेट हर्बल गार्डन की, तो चलिए आपको हर्बल गार्डन ही दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आते ही ना मुझे यहाँ पे जैसे कुछ पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और ये स्किनर है, तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो भी पेड़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनके सामने एक स्कैनर लगा हुआ है, आप उसको स्कैन करके ना इनके बारे में जान सकते हैं कि किस चीज़ का पेड़ है, ठीक है, और इसका काम वगैरह जो भी है आपको लगे बेहतर आप एक बार चेकआउट कर लें इनकी हिस्ट्री को, ठीक है। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है ना बहुत करीब आ रही है क्लोज होने की, तो इस वजह से। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे जो है रोजेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो और ये उनकी खूबसूरती बहुत बढ़िया है, ठीक है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा किया है, इसी वजह से जो ना मंडे को जो है इनको क्लोज रखा गया है कि इनकी जो मेंटेनेंस और डेकोरेशन है उनको ये पूरा कर पाए। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मंडे इग्नोर करके आप जो भी डेज आना चाहते हैं आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, आप ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो हर्बल गार्डन एंड होने के बाद मैं चलता हूँ बोनसाई गार्डन, ठीक है। इसमें क्या है डिफरेंट टाइप्स के जो जड़ी बूटी के जो पेड़ है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको दिखाएंगे। और जो हिस्टोरिक जो हमारी जो क्या है भारत की जो पुराने पुराने पेड़ है वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे देखने को। और ये देखिए हर तरह के पेड़ यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी छोटे छोटे पेड़ है, ठीक है। ग्रीन आइसलैंड का पेड़ है ये, जैसे आपको देख रहे हैं आप, तो ये सारे छोटे छोटे पेड़ ही रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि शायद मुझे भी नहीं पता ये कौन कौन से पेड़ है इतने सारे, तो जब भी आप आए तो इजीली टाइम लेके आराम से और इसको घूमें अच्छे से। तो बोनसाई में इसी टाइप्स के पौधे हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इनसे कि थोड़ा बहुत नहीं है जो भी है ना वॉलंटियर्स यहाँ पे एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, वो जब भी वो खाली होते हैं कोई ना कोई उनको पकड़ लेते हैं इनके पूछने के लिए कि ये कौन सा क्या है नहीं है। तो बोनसाई गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है, और इसमें सिर्फ पेड़ रिगार्डिंग ही हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाया पूरी पेड़, ठीक है। तो चलिए कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, अब मैं आगे आपको म्यूजिकल जो फाउंडेशन वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, ठीक है, जो म्यूजिक के बीट पर जो है वो जो वाटर्स है वो ये करते हैं जंप करते हैं। तो ये म्यूजिकल फाउंड है, ठीक है, जैसे देख लीजिए आप, आपको मैंने बता दिया हर्बल गार्डन और बोनसाई और ये म्यूजिकल फाउंड ये तीनों हो चुके हैं। सॉरी आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है, तो आगे यहाँ पे क्या मिलता है हमें। मैप तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं, अब आगे जाके मैं दिखाता हूँ।
और यहाँ पे कुछ पेड़ है जो संतरे के लगे हैं। चलिए मैं आपको देखिए, छोटे छोटे वाले संतरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस पेड़ पे, ठीक है। और काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा है पेड़, इनके बहुत ज़्यादा पेड़ हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, तो पूरे पके हुए हैं और छोटे छोटे संतरे हैं पूरे पके हुए, ठीक है। और चलिए अब यहाँ आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको गार्डन की ओर। और गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन पे हैं कि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और सामने पे आप देखें प्रेसिडेंट हाउस नज़र आ रहा होगा आपको, पर मे बी उधर अलाउ नहीं होगा। और यहाँ पे रोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि आपको पता ही है 26 जो मार्च है वो क्लोजिंग डेट है इनकी, तो जो भी आना चाहते हैं ना वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और मंडे जो है एक्चुअल में, क्योंकि Over the edge, feel like I'm floating through the air. और इधर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जाना, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से नहीं जा सकते हैं। आप सिर्फ बस सर्कल फॉर्म में है बना दिया गया, उनको आप उधर से ही इजीली घूम लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। और ये पानी देख रहे हैं आप इनमें, और वहाँ पे फाउंट चला हुआ है, इसमें भी है जैसे देखिए, और जस्ट इस साइड भी है। गार्डन में जो फूल की बात करूँ ना मैं, तो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो रेड हो, ठीक है, रेड रोज़ हो या कोई भी हो, ठीक है। और भीड़ तो मत पूछिए आप, बताने के लायक नहीं है। आप अगर अर्ली मॉर्निंग आएंगे ना, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप मतलब बहुत अच्छे से और बहुत फास्टली आराम से आप इनको देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आगे बढ़ने के लिए ना एक बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, वेट करना पड़ता है। और अगर अर्ली मॉर्निंग आप आते हैं तो मेरे हिसाब से आप इज़िली आराम से घूम सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी कोशिश करें कि जब भी आएँ तो आप अर्ली मॉर्निंग आएँ। तो जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ का भी नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है और काफ़ी सारी फ़ोटो वगैरह आप पे क्लिक हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए आप, ये ना जस्ट चारों तरफ इसी टाइप का ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये मैंने दिखाया, इससे पहले आपको मैं दिखाया, तो ये इसका मिडिल है, सेंटर है ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आप जस्ट इस साइड भी देखेंगे तो आपको सेम चीज़ ही देखने को मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा फोटोशूट हो रहा है, साइड अलाउ नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप अंदर अंदर ही देख लीजिए। और ये घास गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर काट के रखा है इसको घास को सारे। और ये जैसे आप देख सकते हैं, जो यहाँ के एक्चुअल में ना जो एम्प्लॉयज़ हैं वही अंदर जा सकते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं जा पाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये अगर मैं वेट करूँ ना कि फ़ोटो लेटर रुक जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मुझे आगे से निकलना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की ओर ले चलता हूँ मैं आपको, ये गार्डन भी पूरी हो गई है, ठीक है। अब आगे और मैं आपको दिखाता हूँ, साइड से ब्लॉक किया हुआ है, जैसे मैं उस साइड से घूमता हुआ आ रहा हूँ। ये एंट्री पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये एंट्री पॉइंट है। और ये मैं पूरा इस चीज़ को सर्कल करता हुआ मैं आया अभी जस्ट, ठीक है, यहाँ से। और अब मैं निकलता हूँ इस साइड से, ठीक है। इस साइड से आप घूमते हुए आपको फिर एग्ज़िट करना है, और एग्ज़िट के बाद मैं आगे आपको ले चलूँगा डिफरेंट दूसरी टाइप्स। पता है कि ना मैक्सिमम यही चीज़ सेम लगती है मुझे, मुझे लग रहा है मैं अभी यहीं से गुजरा हूँ, ठीक है। और रेड रोजेस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये रोज़ RBRBP मतलब उसके नाम पे है, ठीक है, रोज़ है, और किसी का नाम ऐड कर दिया यहाँ पे उसके साथ। और सेम चीज़ें इधर भी है, जैसे देख पा रहे हैं आप, सेम चीज़ें इधर भी है। और ये सारे आए घूमने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअल में ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मॉर्निंग में अगर आ जाता ना तो ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए, लेकिन आ नहीं पाया, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी आएँ तो कोशिश करें कि जो
10 AM का जो स्लॉट्स है आप उसको बुक कर लें, ठीक है। और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसकी कोई अमाउंट वगैरह है नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको कि आप यहाँ एंट्री किया, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो काउंट होते हैं कितने बंदे आए नहीं है, ठीक है, उसकी पूरी एग्जैक्ट काउंट करते हैं, इस वजह से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पर बैठने के लिए हैं तो आप बैठ भी सकते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है। पानी की बोतल अलाउ है इसलिए मैं पानी की बोतल को लेके आया हूँ, और बाकी बैग मेरे वहीं जमा है और उसकी मुझे स्लीप मिल चुकी है, ठीक है। मतलब फ्री में जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, जो सुविधा है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह का पानी गिर रही है, ठीक है, और सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। और यहाँ पानी देखिए यहाँ से इस पर जाके गिर रही है, ठीक है। टूलिप यहाँ पे देखिए रेड कलर का है ये, ठीक है, रेड कंडीशन में पाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में, लेकिन यहाँ पे इनको रखा है टूलिप को। मैंने देखा था कि शायद यहाँ पे ना वाइट का भी टूलिप है, तो कोशिश करता हूँ किस साइड मुझे दिखे, और धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये आप रोज़ देख लो यहाँ से, वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, जो एक्चुअल में क्या है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ है ना, वो हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फ्री का जो जितने भी सेवा मैं आपको बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देखता हुआ, क्योंकि जहाँ पे चार्ज भी करते हैं ना, जैसे मैंने जो लोटस वगैरह घुमा हूँ, लोटस टेम्पल वगैरह जहाँ भी हूँ, जो जहाँ पे चार्जेस है कुतुब मीनार वगैरह, तो वहाँ पे भी इतनी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे जितने फ्री में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये येलो रेड ये है रोज़ है, ठीक है, और ये उसके साथ ना किसी ना किसी के नाम यहाँ पे ऐड करके रखे हैं ये, तो वो चीज़ है यहाँ पे अच्छा। और ये गार्डन जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फूल फ्लावर्स हैं वो उसी से भरे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर बना के रखा है एक्चुअल में इसको, और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गार्डन इसको कहा जाता है, ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैं उस साइड से एंट्री किया था, अब बस मैं इस साइड से एग्जिट करता हूँ। इसमें जो चीज़ें थी देखने लायक ये फ्लावर से रिलेटेड ही थी, तो मैंने और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो रेड, मैं आपको बता भी रहा था वीडियोस में कि डिफरेंट टाइप के जो रोजेस है ना एक यहाँ पे भी है, जैसे चंडीगढ़ रोज़ गार्डन है जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सेम है, और यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के रोज़, मतलब आप कह सकते हैं कि 100+ रोजेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे वाइट रोज़ है, पिंक है, ठीक है, और उसके बाद इस साइड आप रेड तो कॉमन है वो मिलेगा ही, ठीक है, और मतलब उतना मुझे नहीं पता इनके कलर्स के नाम जितने यहाँ पे रोजेस अवेलेबल है। ये डार्क रेड जैसे देख रहे हैं, डार्क रेड रोजेस, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के रोजेस हैं यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, और यहाँ भी संतरे जो ऑरेंज है यहाँ पे भी अवेलेबल है, और क्या सुंदर लग रहा भाई, मन कर रहा है यहाँ पे एक सेल्फी हो जाती ना तो फिर तो बात बन जाती। तो चलिए अब आगे की ओर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सबसे मुझे लग रहा है अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए ना सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस को रिकॉर्ड करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ की जो व्यूज़ है, जो यहाँ के जो रोजेस की जो जो गार्डन है मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए आप, मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे जो पहले रोजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो साइड अवेलेबल है यहाँ पे। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सारी गार्डन्स जो यहाँ पे आपको व्यू करा दिया हूँ, ठीक है, जैसे हर्बल हो या फिर बोनशाही हो, और एक रेड वाला जो भी मैं कवर कर रहा हूँ, और एक था जो प्रेसिडेंट हाउस वाला जो था वो मैं आपको दिखा दिया हूँ पीछे। तो चलिए जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये बीच में एक रास्ता था और ये रोजेस पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये भी है यहाँ पे लेंड रोजेस हैं यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के रोजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोज़ ही है इस गार्डन में, ठीक है। तो मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो भी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आपको कहने के लिए कि आप 26 मार्च से पहले पहले ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट कर लें आप, और 3 डेज़ रिजर्व है जो आपको पता है, 28, 29 और 30, ठीक है, ये 3 जो है आपका आर्मीज और हैंडीकैप जो भी है, और एक जो है ओमेंस, ये 3 उनके लिए रिजर्व है, तो वो 3 डेट को आप काउंट ना करें,
26 मार्च से पहले पहले यहाँ पे आप विजिट कर लें, और मंडे को इग्नोर करें क्योंकि मंडे को बंद रहती है। तो ये रोज़ वाला गार्डन भी यहाँ पे हो चुका है एंड, क्योंकि ये सिर्फ ना एक रास्ता से बना हुआ टाइप का है जैसे देख रहे हैं, और दोनों साइड से जो है ये आने का है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ इधर और मैं आपको दिखाता हूँ, ये गार्डन भी क्लोज हो चुका है। और अब चलिए मैं आपको इस जगह को दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए ये ना एक्चुअल में क्या है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे वन स्टेप डाउन जाके यहाँ पे सारे जो फ्लावर्स को है डेकोरेट किया है, और कितना सुंदर लग रहा है देखने में जैसे देख रहे हैं आप। और ये चारों तरफ से आप इसको घूम सकते हैं, और घूमने के बाद जो है यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए मैं इसको कवर करता हूँ कि डेकोरेट ठीक से ना हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। देख रहे हैं जैसे ये एक क्या लुक लग रहा है भाई, क्या लुक लग रहा है। ये पूरे साल में एक बार ही ओपन होती है 1 मंथ के लिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि फिर उसमें मंडे को जो है क्लोज ही रहता है, तो और ज़्यादा भीड़ होती है। कल भी जैसे कि बंद है। तो चलिए मैं इसकी चारों तरफ से तो खुद दे रहा हूँ, ये इधर से इस तरह का बना हुआ है जो एंट्री बंद है, सिर्फ आपको यहाँ से एंट्री करना है ये साइड से, और यहाँ पे एग्जिट आपको करना है। और चारों तरफ से आप चाहें तो इसको घूम ले, फोटो वगैरह अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे यहाँ घूम के, अब तक सबसे बेस्ट लोकेशन लगा मुझे, मेरी जितनी भी वीडियोज़ आई है मुझे सबसे अच्छा लगा ये लोकेशन, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे मतलब फूल की जो क्वालिटी है ना, देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फूल है, ये मेरीगोल्ड जो है कितनी फेमस और कितनी मस्त लग रहा है ये। मतलब यहाँ पे फूल की बात अगर की जाए ना तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, बताने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आइए आप फिर आप बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है आके यहाँ पे। इसमें घुस जाते और बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे आया यहाँ पे घूम के, अब तक मैंने जितनी प्लेसेस को कवर किया है इस वीडियो में। और चलिए अभी आगे तो पूरी बाकी है, आगे वीडियोस में आपको दिखाएंगे हम यहाँ के जितने भी सुंदर जगह हैं, फेमस प्लेस है। जी मैं एक्चुअल में क्या था वो खाने से रिलेटेड था, अगर आपको कुछ खाना हो तो आप वहाँ जाके इजीली खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है, और फिर आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही सुंदर लगा मुझे, आप अगर बताऊँ मैं तो अपनी इसमें कि मैंने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस की वीडियोज़ मैं कवर किया हूँ तो मुझे ये अब तक का सबसे अच्छा लगा, ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे इस वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो व्यूज़ है ना सबसे बड़ी जो है यहाँ की व्यूज़, वो व्यूज़ यहाँ की सबसे बहुत बड़ी है, मतलब बहुत अच्छी व्यूज़ है यहाँ की। और अभी तो कुछ कुछ प्लेस में जाना भी मतलब मना है, ठीक है, नहीं तो और भी प्लेसेस को मैं शो करा था आपको, और कुछ प्लेसेस तो अभी भी यहाँ पे है कि उसकी डेकोरेशन में चल रही है, ठीक है। अभी तक तो साल में इसको एक बार ही ओपन करता है, मे बी इसको बहुत जल्द इसको ओपन कर दें, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं जो भी प्लेसेस अगर रह गई हो तो दिखाऊं, लेकिन मेरे हिसाब से अब तक ये यहाँ की जो है जितने भी वीडियोस मतलब व्यूज़ थी मैंने कवर कर लिया है, और ये एंड है। तो मिलेंगे अब अगली वीडियोस में हम, ठीक है, क्योंकि एग्जिट है ये रास्ता जो आगे जा रही है वो एग्जिट में ही जा रही है। तो ये वीडियोज़ एकदम फर्स्ट क्लास रहा मेरे हिसाब से, बहुत मज़ा आया मुझे। तो आप देखिए आप भी बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आप पहली बार आए ना हमारे इस चैनल में तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह से जो भी डिफरेंस प्लेसेस की वीडियोस में कवर करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो भी अपना प्यार है बनाए रखिए मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, और मिलते रहिए हमारे इस वीडियोस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में बहुत जल्द। थैंक यू।